हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ अविनाश और एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसका मैं लिंक मैं दे दूंगा। उस समय मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाई थी और मेरे पास उस समय ट्राइपॉड भी नहीं था और समय शाम का समय हो गया था, लाइटनिंग की भी प्रॉब्लम थी। बट अभी ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को जूम करते हैं। तो अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो एक IOCL की चिमनी होगी जो यहाँ से कम 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर में है। तो चलिए वीडियो को जूम करते हैं। तो अभी ये 1x जूम में है, पहले मैं आपको अल्ट्रा वाइड दिखा देता हूँ। ये क्या, ये अल्ट्रा वाइड से, अब अल्ट्रा वाइड से मैं वीडियो को जूम करता हूँ। तो अभी यहाँ से 4.8, अब यहाँ पे ये टेलीफोटो लेंस पे स्विच हो गया है। ये अभी 27 और ये हुआ 30x जूम। तो जैसा कि जब फ्रेम मैंने स्टार्ट किया था उस समय आपको ये विजिबल बिल्कुल भी नहीं था और अभी आप देखिए ये आपको आसानी से विजिबल होगा। फोकस करने के बाद एक वीडियो की क्वालिटी और भी अच्छी हो गई है। तो ये जो चिमनी आप देख रहे हैं जिसे फ्लेम निकल रहा है, यहाँ से कम मिनिमम 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, 5 से कम नहीं है। और जो आप अपने लेफ्ट साइड में जो एक और चिमनी देख रहे हैं जो कि रेड कलर का है, ट्री के पीछे है, वो अराउंड यहाँ से 8 किलोमीटर और उससे ज़्यादा है, उससे कम दूर नहीं है। तो ये हो गई डिस्टेंस कम से कम जो मैंने आपको दिखाया 6 to 8 रेंज किलोमीटर की बात। अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक की चीज़ों पर जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए आइए, अब मैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर CPT का डॉक है वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा, अभी ऑलरेडी ये 10x पे था। तो ये यहाँ देखिए, ये जो है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो क्रेन्स ऑपरेट होते हैं ये यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये मैंने उसे आपको जूम करके भी दिखाया, अगर मैं पूरी तरह से जूम आउट कर दूँ तो आपको ये है अभी 1x में है और जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो अब चलिए आपको ये मैं एक बिल्डिंग पे जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो ये रही वाइट कलर की बिल्डिंग जो यहाँ से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर उससे ज़्यादा नहीं होगा इतना दूर है और वीडियो अभी 1x पे है। अब मैं इसे जूम फिर से करता हूँ। तो ये देखिए वीडियो जूम हो गई, ट्राइपॉड को मैं थोड़ा सा इसे सेंटर में ले लेता हूँ। अभी ये एग्जैक्टली 5x पे है, इसका मतलब है कि टेलीफोटो लेंस या जिसे एक्चुअली वो पेरिस्कोपिक लेंस है वो ऑलरेडी इन हो गया है। अभी मैं एक बार ये आ गया 30x। तो आप देख सकते हैं 30x जूम में ये बिल्डिंग में तक ले, आप देख सकते हैं बिल्डिंग की छत से एक आदमी सीढ़ियों के मदद से नीचे उतर रहा है, वो भी क्लियरली विजिबल है। अभी भी देख सकते हैं और एक आदमी है जो सीढ़ी से उतर रहा है। अब मैं इसे तुरंत जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहा 1x। तो यहाँ पे और मैं भी अगर मैं अपनी खुली आंखों से बिल्डिंग पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी इंसान उस बिल्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है छत पर, लेकिन इस के कैमरे की मदद से जब मैं जूम कर रहा हूँ, ये रहा 10x, ये अभी आप 10x जूम पर है और ये जब मैं 30x जूम कर रहा हूँ तो इस मोबाइल के कैमरे की मदद से मैं आसानी से उस छत के ऊपर अगर कोई आदमी टहल रहा था जो कि मैं हम लोगों ने अभी देखा भी, वो क्लियरली विजिबल है। और ये बिल्डिंग ऐसे आपको बताया कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अब चलिए ये इसको फोकस करते हैं हम लोग एक मोबाइल टावर पर जो कि यहाँ से अराउंड 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए, ये वीडियो को बनाने का एक्चुअली मकसद यही था कि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था एक्चुअली मुझे उसे सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा रहा था और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मैं उसमें क्लियरली जो अपडेट होने के बाद कैमरा जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो चेंज हुई है, वो मैं आपको उस दिन नहीं दिखा पाया था। तो वही चीज़ आज मैं आपको कवर करूँगा। तो अभी जो ये वीडियो है मैं 10x पे पहले सेट करता हूँ। तो ये अभी 10x जूम है जहाँ पर इसकी पेरिस्कोपिक लेंस और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर आपको जूम का इफ़ेक्ट देते हैं। इसके बाद चलिए 10x के और आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये अब आ गए हम लोग 30x पर। थोड़ा सा इसे मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मोबाइल के टावर में जो
केबल्स हैं वो केबल्स भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, और जो कलर है इवन, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इससे आप कितनी अच्छी तरह से शूट कर सकते हैं। तो चलिए अभी जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमारा जो रिवर साइड है हल्दिया टाउनशिप का, वो आंशिक रूप से विजिबल होता है। तो देखते हैं कि कैमरे की मदद से क्या उस रिवर साइड को हम लोग देख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे रहा, फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर मैं जैसे ही जूम करूँगा तो आपको वो दिखना चाहिए। ये रहा कैमरा को, आई थिंक थोड़ा मुझे नीचे करना पड़ेगा। तो ये है, चलिए इसे मैं पूरी तरह से जूम करके ट्राइपॉड को थोड़ा सेट कर देता हूँ, सॉरी फॉर ये डिस्टर्बेंस। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, ये है रिवर साइड, और नदी में जो पानी अटखिलियाँ मार रही है उसे भी आप देख सकते हैं। और ये है वो एरिया जो नंदीग्राम कहलाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये देखकर खुशी ज़रूरी हो रही होगी, अगर आप एक ओप्पो रेनो 10X जूम के यूज़र है। क्योंकि मुझे, आप सच पूछिए तो अभी ये वीडियो देखकर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं खुली आंखों से नहीं देख सकता, मेरा मोबाइल का कैमरा वो सब रिकॉर्ड करने में सक्षम है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी का जो जिन लोगों को कंप्लेंस थी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसके वीडियो से आपको वो कंप्लेन दूर हो गई होगी। तो मैं एक बार फिर से इसे नॉर्मल 1X पे सेट कर देता हूँ, और ये रहा इसका वाइड एंगल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।